हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस इंट्रो को बहुत लोगों ने पसंद किया है एंड बहुत लोग चाहते हैं कि इसको बनाना कैसे है, ये कहाँ से बनवाना है। तो मैंने भी किसी और से बनवाया है, जिनसे मैंने बनवाया है उनके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं एंड उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लस फ़ोन नंबर भी है। तो इंट्रो बनवाना है तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, जिसके लिए सब लोग रेडी होकर निकल चुके हैं एंड हमारे घर के पास ही रेडियो मिर्ची वालों ने कुछ एक इवेंट टाइप का रखा था, जिसमें डॉक्टर्स आए थे जिन्होंने बोन्स की जो चेकिंग होती है, बोन चेकिंग उन्होंने बोला था, वो फ्री में कर रहे थे एंड उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ गेम्स एंड उसके बाद उसके प्राइजेस वो सब रखे हुए थे। तो हम तो अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो मैं पहले सोच रही थी कि वन प्लस लूँ, लेकिन वन प्लस का डेमो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ओनली जो है पैक्ड आपको लेके जाना है, चाहे आप ऑनलाइन लो या शॉप से लो एंड उसके बाद जो है आपको ख़रीद लेना है ऐसे। एंड ख़रीदने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो ऑनलाइन लेते हो तो वापस तो हो जाएगा, ऑफलाइन का पता नहीं क्या चक्कर है। तो पहले हम संगीता मोबाइल्स करके एक शॉप थी, वहाँ पे अवेलेबल थे करके वहाँ पे गए, वहाँ पे वीवो V15 प्रो भी चेकआउट किया, फिर इस शॉप में आए, ये सोनाविजन शॉप है, इधर भी चेकआउट किया, रेट का डिफरेंस लग रहा था, फिर हम दोबारा पुरानी वाली शॉप में गए और फिर वहाँ पे वेरीफाई किया और फिर यहाँ पे आए। तो हमने दो दुकानों पे चार पांच चक्कर लगा दिए इस तरह से एंड फाइनली मुझे V15 प्रो जो है वीवो का, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत सारे फीचर्स है उसमें। तो अभी पेमेंट भी हो चुकी है तो हमारे लिए डब्बा खोल रहे हैं यहाँ पे एंड खोलने के बाद में उन्होंने मुझे ही पहले दिया कि उसका जो स्विच ऑन करना है, मैडम आप ही करो पहले करके, उन्होंने मुझे दिया। तो ये निकल रहा है बाहर, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल फ़ोन है, इसमें ग्लेजिंग टाइप भी आ रही है एंड मैंने पहले देखा, मेरे हस्बैंड ने भी देखा और एक बार भगवान को भी याद कर लिया। जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो एक बार ज़रूर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं एंड उसके बाद इसको ऑन करना था एंड इससे मतलब कॉन्टैक्ट जो भी मेरे पुराने फ़ोन में थे वो इसमें ट्रांसफ़र करने थे एंड जो भी आपको मालूम ही होगा बहुत सारी चीज़ें करनी होती वो सब करना था। तो काफ़ी टाइम लग गया इसमें एंड करीब करीब 9:15 यहीं पे बच गए थे। तो मैं आपको ब्लू और इसमें डिफरेंस दिखा रही हूँ, ब्लू एकदम प्लेन है, उसमें ग्लेज नहीं है, लेकिन रेड में ये चेक्स वाला ग्लेज है। तो अभी मैं इसको ऑन भी कर देती हूँ, तो एकदम नया था तो कुछ ज़्यादा ही मतलब संभाल के पकड़ रही थी एंड पहले वाले मोबाइल से इसका साइज़ थोड़ा विड्थ में भी ज़्यादा है एंड लेंथ में भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नया वाला ऑन हो चुका है एंड इसमें सिम भी डाल दिया है। तो जब नया नया फ़ोन ऑन करते हैं, क्योंकि उसमें सिम में कुछ नहीं डाला होता, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन करने के लिए सिम डालने के बाद, अदरवाइज़ तो फिर भी ऑन होता है कि जो डेमो वाले पीस होते हैं वो तो तुरंत ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम अपडेट वो सब दिखा रहा है, तो मैंने बाकी जो भी प्रोसेस है जो उनको करनी है उसके लिए उनको दे दिया ये एंड शॉप से ख़रीदने का एक और फ़ायदा ये है कि उन्होंने एक सेल्फ़ी स्टिक फ्री दी एंड एक छोटा सा बैग है, नॉट हैंड बैग, दूसरा जो कैरी बैग ही होता है, मैंने भी खोल के अभी तक पूरा देखा ही नहीं है, तो वो दोनों गिफ्ट के रूप में दिए एंड मैं सबसे पहले फ़ोन लेती हूँ तो कैमरा क्वालिटी चेक करती हूँ। ये देखिए कितनी क्लैरिटी से आ रहा है, फ़ोन से शूट करी इसलिए पता लग रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही थी इसकी। मैंने नया फोन खरीद लिया है, मैंने सोचा था वन प्लस लेने का लेकिन ले लिया एंड मैंने पहली बार जो है थोड़ा रेड कलर के, इसमें देखिए ये ग्लेयर दिख रहा है आपको, जिगजैग वाला ग्लेयर दिख रहा है, मैं जब ऐसे कर रही थी इसको ऐसा लग रहा है तो इसलिए वो चिल्ला रहा है। सो आई लव दिस फोन एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो अभी तक मैंने किसी भी फ़ोन में देखे नहीं थे एंड क्लैरिटी भी गज़ब की है, इसके बाद की वीडियो क्लैरिटी आपको गज़ब मिलेगी। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है तो आई हैव टू सी कि कैसे करना है क्या है, जब मैं थोड़ा इसको यूज़ कर लूँगी तब मैं आपको
बताऊंगी इसके बारे में। अभी मेरा एकदम से नजर गई और मैं फिर इसको चेकआउट करने लग गई, तो आई लाइक इट वेरी मच वेरी मच। तो इसका अगर आपको रिव्यू चाहिए, Vivo V15 Pro का रिव्यू चाहिए, Vivo V15 Pro का 8GB वाले का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इसमें मेरे ब्लू कलर अवेलेबल है एंड रेड जो मैंने लिया है, ये रेड में आपको ऐसा जिगजैग मिलेगा लेकिन ब्लू एकदम प्लेन है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, जिसका जो फेवरेट कलर होता है वो ले सकते हैं। वैसे तो मेरा ब्लू फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट कलर है, बट फ़ोन में मुझे ये ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें ब्लैक शेड भी है एंड मरूनी शेड, दोनों शेड मिक्स हो रहे, तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा एंड बेहतर लगा। तो चलिए मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगी, अगर रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दीजिए। घमासान बारिश हो रही है, बस सड़क पे ना। अयो तो जैसे कि जब हम निकल रहे थे, अगर कल के ब्लॉग में या इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में हमने देखा होगा, आदित्य बोल रहा था कि होटल जाना है करके, बट मेरा कोई भी प्लान नहीं था एंड हम लोग अभी जाएंगे उसका भी कोई प्लानिंग नहीं था, तो मोबाइल लेके मैं तो मोबाइल में ही लगी हुई थी, मुझे पता भी नहीं कि कार किस साइड घुमा रहे थे। और इन्होंने जाके सामने होटल के सामने रोक दी, मिनर्वा ग्रैंड में हम लोग आ गए और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो अभिषेक बोल रहा था कि बस भीग गई, कार भीग गई करके बोले जा रहा था, एंड अभी हम अंदर आ चुके हैं। तो ये जो मिनर्वा ग्रैंड है, इसमें कैंडल लाइट टाइप पूरा सेटअप रहता है, लाइटिंग कम, ओनली टेबल्स पे ही लाइट गिरती है, वैसा वाला है। अच्छा होटल है एंड फूड भी अच्छा, सारे आइटम जो है अच्छे खासे रहते हैं, टेस्टी। तो कभी कभी जो है सर्विस में थोड़ी आगे पीछे हो जाती है इनकी, मतलब खाना अच्छा बनाते हैं, कभी कभी ठंडा आ जाता है, अदरवाइज टेस्ट वेस्ट अच्छा रहता है। तो जब भी ठंडा आता है फिर हमको फिर वापस करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले ले लिया है ये चिकन टिक्का है, ये ले लिया है, एंड उसके बाद हमने ऑर्डर किया था अपोलो फिश भी, तो काफ़ी अच्छा था टेस्ट इसका। एंड अभिषेक को भी थोड़ा खिलाया, थोड़ा स्पाइसी था इसलिए वो नहीं खा पाया। सो यमी यमी कबाब बोल लीजिए आप इसको, चिकन टिक्का बोल लीजिए। एंड थोड़ा जो है मैं भी अभी चेक कर रही हूँ और अभिषेक को भी साथ साथ खिला रही हूँ मैं, और जैसे उसके मुंह में ख़त्म हो जाता है फिर वो आ करके बोलता है। आ चुके हैं अपोलो फिश, इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं रहते हैं, तो बच्चों को खिलाना भी बहुत इजी है, बिना डर के आप उनको खिला सकते हैं। और उसके बाद हमारी एग फ्राइड राइस भी आ चुकी है, और हमने उसके साथ ऑर्डर किया है चिकन करी, बोनलेस चिकन करी। और बाकी जो टेबल पे है खटा एंड दही वाला, वो तो उसके साथ आता ही है। तो ये चिकन करी है, तो थोड़ी बहुत बच गई थी तो फिर हमने वो भी पैक करा ली। यू हैव ऑप्शन ऑफ पैकिंग, अगर आप मान लीजिए एक बिरयानी पैकेट एक्स्ट्रा ले लेते हो एंड उसके पहले ही सबका पेट भर जाता है, तो आप वो बिरयानी पैकेट यू कैन मेक दम पैक, अगर पैक्ड है तो ऐसे ही ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो पैक करने के लिए बोल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिनर भी करना शुरू कर दिया है, एंड अभिषेक तो बड़े ही नीटली, घर में तो ऐसा कभी नहीं खाता है लेकिन होटल में बिठा दो इसको चेयर टेबल के साथ तो बड़े अच्छी तरह खा लेता है, घर में भी ऐसे खा ले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहे। तो यहाँ पे बहुत ही क्यूटली खा रहा है वो, और जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा उठा रहा था तो सारे चावल जो है दूर दूर जा रहे थे, फिर मैं बार बार नज़दीक करके दे रही थी, फिर वो थोड़ा सा खा रहा था, ऐसे करे जा रहा था, एंड मोबाइल में भी देख रहा है कि उसका वीडियो निकल रहा है करके।
अभी डिनर हो चुका है और हम बाहर आ चुके हैं। पार्किंग से ड्राइवर जो है कार लेने के लिए गया है, तो इस दौरान भी जो है ये दोनों पूरी रैकी करते ही रहते हैं, यहाँ क्या है वहाँ क्या है करके। तो कभी सोफे पे जंप मार रहे थे, कभी बाहर चेयर पे जाके बैठ रहे थे। तो मैंने बोला अभी कंट्रोल करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि पेट इतना भर चुका था कि ना झुक सकते हैं ना इधर उधर मुड़ के बैठ सकते हैं। तो हमने थोड़ा ऑर्डर किया था, तो हमने सोचा था लाइटली कुछ खाएंगे, तो आदित्य को पसंद था जो चीज़ वो भी हमने ऑर्डर कर दिया। तो दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में पूरी बनाई थी एंड उसके बाद अभी मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो रेसिपी इससे पहले भी मैंने कई बार शेयर करी है, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर मी अगैन दीज थिंग्स देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो ये अभी शाम हो चुकी है एंड दोपहर को भी जब बच्चे सोए थे तो कम्बल वम्बल निकल ही जाते क्योंकि एसी चलता रहता है, तो इसलिए अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ। एंड एवरी डे शाम को बच्चे को खाने के लिए क्या देना है कुछ समझ में नहीं आता है। बिस्किट मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, बाकियों के बच्चे कितने अच्छी तरह खाते हैं जो होता है, लेकिन ये दोनों जो है ऐसा है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्पेशल नहीं होगा तब तक खाते नहीं है। तो मैगी इनको पसंद था, मैगी की भी छोटी छोटी दो पैकेट्स बची थी, तो मैं बस खाना है क्या तो बोलते हाँ, तो मैंने बना दिया एंड उन दोनों को खाने के लिए दे दिया। एंड अभी हम फिर जा रहे हैं बाहर एंड ये नए कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द वीडियो। अगर आप नॉर्मल, ये वाइड एंगल का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है जिससे रोड की दोनों साइड आपको दिख रही है। एंड इसके बाद जो भी मैंने स्नैप्स लिए हुए हैं मूवीज़ में वीडियोस निकाले हूँ उन सब में आप ये देखिए जंक्शन है एंड चारों जंक्शन साफ दिख रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं वाइड एंगल वाला चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये वाइड एंगल ऑप्शन जो है आपको फ्रंट कैम में नहीं मिलेगा, ओनली रियर कैम में ही मिलेगा। हाय एवरीवन, तो अभी मैं नए वाले फ़ोन में शूट कर रही हूँ एंड आदित्य के जो स्कूल के शूज़ है ये देखो नींद ले रहा है नानू चूँ डीटेल निद्रो चाहिए सिनेमा सिनेमा अट्ना तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ आदित्य के जो स्कूल के शूज़ है वो टाइट हो गए हैं, तो इसलिए न्यू वाले शूज़ राइट, हिंदी हिंदी आगे बच्चे को हिंदी नया वाला शूज़ करेक्ट ना हिंदी माड़े। तो वो लेके हम ओ बेबी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तेलुगु मूवी। हम लोग जैसे मैंने बताया कि थिएटर में यहाँ तेलुगु मूवी देखने जाते हैं, हिंदी सारी तो मैं अमेज़ॉन प्राइम में या नेटफ्लिक्स में इन सब में देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी एक महीने के अंदर अंदर सारी न्यू मूवीज़ है जो आ जाती है वहाँ पर। इसलिए वैसे तो तेलुगु वाली भी आ जाती है, लेकिन जब सारी फैमिली जो है एक लैंग्वेज को एंजॉय कर सकती है थिएटर में जाके, तो वही हम देखते हैं वहाँ जाके थिएटर में। तो अभी चलिए शॉप में जाके, उसके बाद टाइम भी हो रहा है मूवी का। ओ बेबी के रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत लोग सब लोग देख के हैं एक्चुअली। हमने बोला चलो देख लेते, कल जाने वाले थे लेकिन कल टिकट्स नहीं मिली उसकी, आज मिल गई है, तो अभी चलते हैं।
सो जस्ट अभी मूवी ख़त्म हुई है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस दौरान मैं आज तक आजकल के एक साल में जितनी भी मूवीज़ देखी है मुझे इतनी खास कोई नहीं लगी। मतलब ये मूवी ऐसी है कि रियलिटी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके मैसेज के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छी मूवी है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ थी, मोस्ट प्रोबेबली इसकी हिंदी में डब भी आ जाएगी क्योंकि मैक्सिमम सारी आ ही जाती है एंड देर आर वेरी रेयर मूवीज़ कि जहाँ पे मुझे रोना आता है। एंड यहाँ पे मुझे लगा कि जो भी इमोशंस थे या जो भी फीलिंग्स थी बहुत ही अच्छी तरह उनको एक्सप्रेस किया कि मुझको भी जो है थोड़े टेसू मैंने भी बहा ही लिए चुप चुप के, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जिसने भी नहीं देखी वो भी तेलुगु पीपल एंड जब डब हो जाएगी तब हिंदी लोग भी सारे देशवासी उसको देखे, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो अभी ये तो देखो सो चुका है एंड आदित्य अभी लास्ट में सो गया था, बीच में इंटरवल थे तो खूब हंसा लेकिन स्नैक्स को खाने के बाद जो है पेट भर गया और उसको नींद आ गई। अदरवाइज तो कभी भी मैक्सिमम सोता नहीं है किसी भी मूवी में। सो चलिए अभी घर चलते हैं, आगे सूझी हुई तो नहीं लग रही एक्चुअली नींद का भी प्रकोप है थोड़ा सा एंड थोड़े से जो टेसू भाई हैं उसका भी असर है। तो चलिए चलते हैं अभी घर एंड इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए घंटी बजा के। तो चलिए सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।